हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, पीजी सर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे भारतीय इतिहास के, और भारतीय इतिहास के अंतर्गत काफ़ी कुछ पढ़ लिया था अपन। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ रहे थे गुलाम वंश। गुलाम वंश में हमने सबसे पहले देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस प्रकार से गुलाम वंश की स्थापना की, और गुलाम वंश की स्थापना करने के साथ 1206 में स्थापना की जाती है, कब की जाती है भाई? 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कर दी जाती है। गुलाम वंश की स्थापना कर देने के पश्चात उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बन जाता है यहाँ का, अपने आप को क्या गुलामों का गुलाम कहकर संबोधित करता है। इसके बाद इल्तुतमिश शासक बनता है, कौन बनता है? के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बनता है? इल्तुतमिश शासक। इल्तुतमिश तक अपने जिक्र कर लिया था, क्या पढ़ लिया था? इल्तुतमिश पढ़ लिया था। इल्तुतमिश के बारे में पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था भाई? इल्तुतमिश पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इल्तुतमिश पढ़ा था। और इल्तुतमिश के पश्चात इसके बाद जो शासक बनता है वो इसका एक अयोग्य पुत्र, कौन बनता है? अयोग्य पुत्र शासक बनता है, इसका नाम है रुकनुद्दीन। कौन बनता है? रुकनुद्दीन। कौन बनता है? रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन शासक बनता है, और रुकनुद्दीन जो शासक बन जाता है प्यारे दोस्तों, ये बनता है 1236 में। कब बनता है? 1236 में। जैसे ही इल्तुतमिश होती है 1236 में मृत्यु होने के पश्चात इसको क्या उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। उत्तराधिकारी घोषित कर देने के पश्चात ये शासक बन जाता है कहाँ का? दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज जो इसका पूरा नाम माना जाता है। ठीक है, या अब 1236 में ये शासक बन जाता है। शासक तो बन जाता है, लेकिन कहा जाता है कि ये शासन को सही ढंग से संचालित नहीं कर पाता। शासन को सही ढंग से संचालित नहीं करता पाता, मतलब क्या था कि एक अयोग्य शासक था। अपना बाप था, बाप बढ़िया शानदार शासन किया, कोई दिक्कत नहीं उसने। पिता के द्वारा, इसके पिता थे कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा साम्राज्य स्थापित किया था। इल्तुतमिश के द्वारा साम्राज्य स्थापित किया था। साम्राज्य स्थापित करने के पश्चात उसने एक संगठन बनाया था, क्या बनाया था? संगठन बनाया था जिसके द्वारा ये शासन का संचालन किया करता था। वो संगठन कौन सा था? तुर्काने चहलगानी। तुर्काने चहलगानी क्या था? ये किसके द्वारा बनाया गया था? तुर्काने चहलगानी, तुर्काने चहलगानी, तुर्कान तुर्कान ए चहलगानी चहल गानी। तुर्कान ए चहलगानी क्या है? ये 40 व्यक्तियों का संगठन था। कितने? 40 व्यक्तियों का संगठन था। 40 व्यक्ति क्या था ये? अर्थात ये संगठन था। इस संगठन के द्वारा क्या किया करता था? इस संगठन के द्वारा शासन संचालित किया करता। कौन शासन संचालित किया करता था? इल्तुतमिश। कौन शासन संचालित किया करता था? तुर्कान ए चहलगानी 40 व्यक्तियों का संगठन था, और इस संगठन के द्वारा इल्तुतमिश शासन संचालित किया करता था। शासन को संचालित करने के लिए इसने 40 व्यक्तियों का संगठन बनाया, इसे तुर्काने चहलगानी कहा जाता है। ठीक है, अब कहा जाता है कि तुर्काने चहलगानी वाले व्यक्तियों ने, इन 40 व्यक्तियों ने कहा जाता है इसको, ये क्या था? अयोग्य था। क्या था ये? अयोग्य था। क्या था ये? अयोग्य था। अयोग्य होने के कारण कहा जाता है इसने, इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री, किसको? अपनी पुत्री को। किसको? अपनी पुत्री। और इसकी पुत्री कौन थी? सुल्तान, इसकी पुत्री थी रजिया। कौन थी? रजिया। इसकी पुत्री कौन थी? इल्तुतमिश की। इसको अयोग्य देख कर कहा जाता है कि ये इसको उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। किसको उत्तराधिकारी घोषित कर देता है? अपनी पुत्री को। अपनी पुत्री को इल्तुतमिश क्या कर देता है? उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। और उत्तराधिकारी घोषित कर देने के पश्चात प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन होती है कि ये शासन तो संचालित कहाँ कर पाएगा भाई, कहाँ संभाल पाएगा? जब प्रारंभ से ही ये कंडीशन दिख रही है कि वो कहते हैं ना, पूत के लकड़ पालने में दिखाते हैं, दिखते नहीं दिखते हैं अपन उनकी। कोई भी छोटा सा बच्चा रहता है तो उसके काम धाम ढाल वगैरह जो भी उसके कृत्य देह होते हैं उसकी पता चला लेते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। लग जाता है कि भाई ये सीधे रास्ते जाएगा, उल्टे रास्ते जाएगा, खूब दारू वारू पीता था, क्या करता था, कि इसका पता पहले ही लग गया था। रुकनुद्दीन फिरोज का पता तो पहले ही लग गया था कि भाई ये शासन संचालित करने योग्य नहीं है। ये अपना
बाप था तो ये किसको अपनी पुत्री रजिया को क्या कर देता है, उत्तराधिकारी घोषित कर, उत्तराधिकारी घोषित कर देने के पश्चात कहा जाता है कि ये इसके सिक्कों पर, किस पर, सिक्कों पर भी इसका नाम ढलवाता है, नाम ढलवाने के साथ तो इसकी फोटो बल लगवाता है, क्या इसकी फोटो भी लगवाता है अपने सिक्कों पर, इल्तुतमिश अपने सिक्कों पर क्या करवाता है, इसका फोटो लगवाता है, किसका, रजिया का, और इससे क्या कर देता है, उत्तराधिकारी घोषित कर देता है तो इसकी पुत्री, अब पुत्री को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर ये भाई साहब थे उत्तराधिकारी, ये मर जाने के पश्चात लोगों ने सोचा तो ये महिला क्या भाई शासन कर पाएगी, कहा जाता है इसको बना दिया जाता है, ये बना देते हैं, लगभग ये 7-8 महीने तक शासक करता है, कितने महीने तक, 7-8 महीने तक शासन करता है। शासक करने के पश्चात कहा जाता है कोई एक बार क्या होता है, शुक्रवार का दिन था, शुक्रवार का दिन होता है इनको जुम्मा, जुम्मा का मतलब समझते हो, जुम्मा की जो इनके वो नमाज अदा करी जाती है, और उस दिन नमाज अदा करने गया था ये भाई साहब, और उसी दिन कहा जाता है लाल कपड़ों में ये कौन, रजिया, रजिया लगभग 2 महीने का शासन हुआ था, और 2 महीने के शासन के कोई जगह 7-8 महीने मिलता है, कई जगह 2 महीने मिलता है इसका, ना ठीक है, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं हुआ। अब क्या करते हैं कि ये रजिया लाल बुरखा पहनकर, पूरे लाल वस्त्र पहनकर चली जाती है, तलवार कटार लेकर चली जाती है, कहाँ चली जाती है, इसके वहां पर कहा जाता है कि जहाँ नमाज अदा कर रहे थे वहीं पर अपने आप को सुल्तान घोषित कर देती है, कौन, रजिया अपने आप को सुल्तान घोषित कर देती है, इसको पद से हटा देती है, तो रुकनुद्दीन फिरोज को हटा देती है, और रुकनुद्दीन फिरोज को हटा देने के पश्चात कौन शासक का बन जाती है यहाँ पर, अब इसके बाद जब सुल्तान बनती है कौन बन जाती है, रजिया, कौन बन जाती है, रजिया सुल्ताना, कौन बन जाती है, रजिया सुल्ताना बन जाती है, अर्थात अब दिल्ली सल्तनत की सुल्तान कौन बन जाएगी, 1200 कब से लगाकर कहाँ तक प्यारे दोस्तों, 1236 से लगाकर 40 तक, कहाँ तक, 1236 से लगाकर 1240 तक कौन शासन करेगी दिल्ली सल्तनत पर, रजिया, कौन शासन करेगी, रजिया, समझ में आया, इल्तुतमिश था पहले, ऐबक था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना गुरुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई 1206 में ऐबक के द्वारा स्थापना कर देने के पश्चात शासन संचालित किया, उसके बाद इल्तुतमिश शासक बना, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम होने के साथ ही कहा जाता है इसने एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप का नाम क्या था, तुर्गाने चेलगानी था, या चालीसा दल भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, चालीसा दल भी कहते हैं, जो इसका क्या शासन संचालित करने का काम किया करता था। उसके बाद जो शासक बनता है रुकनुद्दीन बनता है, लगभग 2 महीने शासन करता है, 2 महीने शासन करने के पश्चात ये अयोग्य उत्तराधिकारी था, अयोग्य उत्तराधिकारी का था तो कहा जाता है इन 40 संगठन के व्यक्तियों ने कहा जाता है इनको हटा दिया जाता है, हटा देने के पश्चात ये रजिया सुल्तान एक दिन लाल कपड़े पहनकर अपने आप को सुल्तान घोषित कर देती है, और सुल्तान घोषित कर देने के पश्चात ये अब नेक्स्ट शासिका बन जाती है, कहाँ की, दिल्ली सल्तनत की नई शासक जो बन जाती है, कौन बन जाती है प्यारे दोस्तों, रजिया सुल्तान बन जाती है, रजिया सुल्तान, और रजिया देखिएगा के बाद रजिया सुल्ताना, ठीक है, इलाती तो सुल्ताना कह देंगे, क्या कहेंगे, रजिया सुल्ताना कह देंगे, 1236 से लेकर 1240 तक, 1236 से लेकर 1240 तक ये शासन करेगी, भाई कहाँ पर शासन करेगी, ये दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश में। अब कहा जाता है इसके पिता कौन थे, पिता की बात करें इल्तुतमिश, कौन थे, इल्तुतमिश थे इसके पिता। अब कहा जाता है कि ये शासक शासिका बन जाने के पश्चात अयोग्य इसका भाई था उसको हटाकर शासिका बन जाती है, और शासिका बन जाने के पश्चात क्या कंडीशन होती है प्यारे दोस्तों, ये प्रथम महिला सुल्तान मानी जाती है, प्रथम महिला सुल्तान मानी जाती है, और अंतिम भी महिला सुल्तान यही मानी जाती है। देखिए क्या कंडीशन, अभी तक दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए उनमें से सबसे योग्य मानी जाती, योग्य तो थी लेकिन इसके लिए क्या घातक था कि इसका महिला होना ही इसके लिए घातक, क्या था भाई, इसका महिला होना ही इसके लिए घातक था। एक तो ये अपने आप को क्या है प्रकार से पुरुष टोपी पहनते थे, पुरुष टोपी पहनते थे और पुरुष कोट धारण करते थे, कोट पहनकर कोट पैंट धारण करके, और साइड ड्रेस में
टोपी लगाकर इस तरीके से ये उपस्थित हुआ करती थी। कहाँ पर? राज दरबार में। ऐसा करना इसने प्रारंभ कर दिया। इस चीजों से क्या ये लोग नाराज होने लगे। कौन नाराज होने लगे? इसने शासन संचालित किया, इस तुर्काने चहलगानी या जो चालीसा दल था ना, इस चालीसा दल के आधार पर ये शासन संचालित करने लगी। बिगाड़ा नहीं इसको, ऐसे कैसे बलबन बिगाड़ेगा इसको, आएगा बलबन वो बिगाड़ेगा इसको आगे चलकर। इस चालीसा दल के हिसाब से शासन संचालित करने लगी। पहली बार जनता के द्वारा जनता का राजा चुना गया था। किसको? अर्थात सामान्य जनता के द्वारा, सामान्य लोगों के द्वारा इसको चुना गया था। किसके द्वारा चुना गया था? जनता के द्वारा पहली बार किसको? रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर किसको शासक बनाया गया था? रजिया सुल्तान को शासक बनाया गया था। अब रजिया सुल्तान शासक बन जाती है। कहा जाता है कि ये शासक शासिका बन गई। शासिका बन जाने के पश्चात ये चालीसा संगठन के द्वारा बनाई गई थी। मुख्य रूप से किसके द्वारा? इसके द्वारा बनाई गई थी। ये एक संगठन और इसके द्वारा बनाई गई थी यह चालीसा संगठन के द्वारा शासक बनाई गई। शासक बनाई किसके द्वारा शासक बनाई गई? भाई चालीसा संगठन के द्वारा ये इसको शासक बना दिया गया। अब चालीसा संगठन के द्वारा शासक तो बना दिया गया। कहा जाता है कि यहां पर एक इसी के राज दरबार में ये अपना क्या राजा होता है। राजा के पास कई सारे सचिव वचिव होते हैं, कई सारे व्यक्ति होते हैं। तो ये एक अपना सबसे नजदीकी जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में इसको किसको नियुक्त कर देती? याकूत को। किसको नियुक्त कर देती? याकूत को। किसको नियुक्त कर देती है? पर्सनल सेक्रेटरी या फिर पर्सनल जो वार्तालाप करने वाला या देखा जोखा रखने वाला पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त कर देती याकूत को। और याकूत को कर देती तो याकूत धीरे धीरे इससे आंखें लड़ाने लग जाता है, क्या डोरे डालने लग जाता है। महिलाएं तो महिला भाई बढ़िया सुंदर थी, अट्टी कट्टी उल्लू की पट्टी बढ़िया थी, है ना। तो कहा जाता है इससे वो सेट करना चाहता है, अर्थात इसी से क्या सोच लेता है, इसी से अपन ब्याह कर लेंगे, ब्याह करने के बाद अपन खुद राजा बन जाएंगे, ये याकूत ये सोचने लग जाता। लेकिन खुदाना कास्ता होता क्या है प्यारे दोस्तों, ये इल्तुतमिश की पुत्री तो बहुत खतरनाक तो थी सही। कहा जाता है कि बदायूं में इसका जन्म होता है। जन्म कहाँ पर हुआ था इसका? बदायूं में जन्म होता है। लेकिन कहा जाता है कि धीरे धीरे क्या होता है, होता ये है कि ये याकूत था, याकूत इसकी क्या बनाने लगता है? नजदीकियां बनाने लगता है। क्या? नजदीकियां बनाने लगता है। नजदीकियां बनाने लगता है तो कहा जाता है कि एक बार क्या होता है कि यहाँ पर आक्रमण कर दिया जाता है, और कुछ आक्रमण किया गया। आक्रमण में कहा जाता है कि ये कबड़िया भरपूर सहयोग देता है। सहयोग देने के पश्चात चलो कोई बात नहीं कि भाई भरपूर सहयोग दिया, इसको एक उपाधि भी प्राप्त थी भाई, उमदत्त उल निश्वा की। इसकी उपाधि की बात करें तो इसकी उपाधि किसकी? उपाधि की बात करें, उपाधि उमदत्त दत्त उल विश्वा, ये इसकी उपाधि थी। विश्वा या मिश्वा ये इसकी उपाधि थी। इसके द्वारा धारण की गई थी। किसके द्वारा? रजिया सुल्ताना के द्वारा। रजिया सुल्ताना के द्वारा ये उपाधि धारण कर ली जाती है। और कहा जाता है कि अब क्या कंडीशन होती है कि इसके सामने जो पंजाब साइड है, पंजाब साइड में, और इसकी दिल्ली के पास में पड़ता है। दिल्ली कहाँ पड़ता है? दिल्ली के साइड में पंजाब पड़ता है, और पंजाब में आपको पता है कि ये आपका भारत है। दिल्ली यहाँ पर, इसके बाहर पास ही क्या पड़ेगा? पंजाब। पंजाब के क्षेत्र में एक अल्तूनिया करके एक शासक हुआ करता था, या चालीसा का एक सदस्य हुआ करता था। ये अल्तूनिया कौन हुआ करता था? अल्तूनिया। ये अल्तूनिया क्या करता है प्यारे दोस्तों, इसके ऊपर क्या करना चाहता है कि अल्तूनिया ये अपने आप को इस चालीसा दल का सदस्य नहीं घोषित करके, अर्थात इसके पास चालीसा दल के तो इसके पास अब आपको
पता है कि जमीन दी जाएगी, जमीन इक्तादार कहलाएगा। पहले क्या होता था कि जमीन दी जाती थी, क्या दी जाती थी, जमीन वेतन के रूप में जमीन दे दी जाती थी, कहा जाता था इक्ता प्रणाली। क्या कहा जाता था, इक्ता प्रणाली व्यवस्था किसने लागू की थी, इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रणाली लागू की गई और इसके द्वारा इक्ता प्रणाली लागू कर देने के पश्चात इसको जमीन दे दी गई। कहा जाता है ये अल्तूनिया, इसको लेने से यूं अपने आप को क्या, इसका अपने आप को क्या कि इसके सानिध्य में मैं थोड़ी रहूंगा, कि ये अपने आप को राजा घोषित करना चाहता है और उधर ही विद्रोह कर देता है। विद्रोह कर देने के पश्चात ये आओ देखती ताओ देखती जल्दीबाजी में किसके ऊपर आक्रमण कर देती। इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से सेना लेकर कहां चली जाती, यहां पर पंजाब वाले क्षेत्र में अल्तूनिया के ऊपर आक्रमण करने के लिए चली जाती। अल्तूनिया के ऊपर आक्रमण करने जब चली जाती है, चली जाने के पश्चात क्या कंडीशन होती, कंडीशन ये होती कि जब ये अल्तूनिया के ऊपर आक्रमण करती तो आक्रमण करने के लगभग ये बात है 1240 कब की, 1240 ईस्वी में किसके ऊपर आक्रमण कर देती है, अल्तूनिया के ऊपर आक्रमण कर देती। अल्तूनिया के ऊपर जब आक्रमण कर देती, कर देने के पश्चात प्यारे दोस्तों तो अल्तूनिया इसको इसके ऊपर भारी पड़ जाती, इसके ऊपर रजिया के ऊपर, अर्थात यहाँ पर रजिया के ऊपर आक्रमण कर देता कौन, अल्तूनिया। चलिएगा इसके ऊपर किसके ऊपर, रजिया के ऊपर, रजिया के ऊपर कौन आक्रमण कर देता, अल्तूनिया। अल्तूनिया यहां से सेना लेकर जाकर अर्थात आक्रमण कर देती किसके ऊपर, इसके अल्तूनिया के ऊपर। ये दोनों कैसे भी मानो, या तो इसने किया या इसने किया, वो तो आक्रमण दोनों के बीच हुआ। अब कहा जाता है दोस्तों दोनों के बीच में ये आक्रमण हो जाता है 1240 में, कब हो जाता है 1240 में, किसके ऊपर, पंजाब क्षेत्र के ऊपर, कौन से पंजाब के आसपास का क्षेत्र था ये, और यहां पर आक्रमण कर देता किसके द्वारा, अल्तूनिया वर्सेज, अल्तूनिया अल्तूनिया वर्सेज रजिया, ठीक है। इस आक्रमण में क्या होता कि अल्तूनिया भारी पड़ जाता है इसके ऊपर, इसके ऊपर ये अपने आप को बाएं चढ़ाकर गई थी, तो उन समझ के गई थी ना कि उसको तो मैं ऐसे निपटा कर आ जाऊंगी क्योंकि मैं दिल्ली सल्तनत की सुल्तान हूँ, सुल्तान समझ के अपने आप को ये इस तरीके से गई थी तो कहा जाता है। लेकिन ये भारी पड़ जाता है, भारी पड़ जाने के पश्चात इसने देखा कि इस रजिया को यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में घेर लिया जाता है, चारों ओर से इसको घेर लिया जाता है, किसको, रजिया को। अब रजिया को घेर लिया गया तो यहाँ पर अल्तूनिया खड़ा है, कौन, यहाँ पर अल्तूनिया खड़ा है और इधर रजिया खड़ी है, कौन खड़ा है, अल्तूनिया और रजिया दोनों खड़े हैं। यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि ब्याह करना है कि तेरे को मेरे से, ये इसके सामने प्रस्ताव रख देती है, क्या शादी का प्रस्ताव रख देती है कि शादी करनी है क्या मेरे से, कि तू अपने आप ही राजा बन जाएगा, शादी कर लेगा तो दिल्ली सल्तनत का अपने आप ही राजा बन जाएगा। तो कहा जाता है कि ये दोनों आपस में यहीं पर ब्याह कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। और विवाह कर लेने के बाद प्यारे दोस्तों क्या होता है, विवाह करने के बाद अब इस पर दिल्ली के ऊपर किसका अधिकार हो जाता है भी, अल्तूनिया का अधिकार होता है। अधिकार तो बाद में होगा, अभी तो दिल्ली पहुंचे तो सही है, दिल्ली तो पहुंचे, अभी तो दिल्ली दूर है, दिल्ली तो पहुंचे। और कहा जाता है प्यारे दोस्तों कि ये रजिया जब यहां पर आ रही थी, रजिया यहाँ पर आ रही थी तो कहा जाता है कि केथल नामक स्थान पर, कहाँ पर, केथल नामक स्थान पर 40 व्यक्तियों के जो संगठन था उन्होंने सोचा कि व्यापारियों का कोई दल आ रहा है कि इसके ऊपर दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने के लिए, इसके ऊपर दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने के लिए रजिया यहाँ के 40 संगठन ने सोचा कि कोई आक्रमणकारी आ रहे हैं या व्यापारी आ रहे हैं कि दिल्ली को लूटने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा समझ कर जिसमें रजिया भी दुल्हन की डोली में बैठी हुई थी और रजिया के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है इसको, रजिया को और याकूत को। डोरे तो कौन डाल रहा था, कहाँ गया, याकूत, याकूत था वो, याकूत तो डोरे डाल रहा था लेकिन बेवफाई किसके साथ की, याकूत के साथ बेवफाई की, उधर जाके इश्क लड़ाया किससे, अल्तूनिया से, और ब्याह कर लिया। मजबूरी भी थी एक ऐसे समझा जाए तो, मजबूरी में ब्याह भी करना पड़ा और ब्याह कर लिया। तो कहा जाता है यहाँ पर केथल नामक स्थान पर, कौन से,
तेथल नामक स्थान पर दोनों के ऊपर आक्रमण किया जाता है। आक्रमण करने के पश्चात 1240 ईस्वी का पैर दोस्तों 1240 ईस्वी में इसके द्वारा इस चालीसा संगठन के द्वारा इनके द्वारा यहाँ पर कुछ आक्रमण कर दिया जाता है। कबीलाई जातियां हुआ करती थी, कबीलाई जातियों को उन्होंने कहा कि भाई आक्रमण करो इसके ऊपर, और इन कबीलाई जातियों के द्वारा दोनों को मार दिया जाता है। कब? 1240 में, और दोनों यहां पर मौत के घाट उतार दिए। कौन कौन? अल्तुनिया और रजिया दोनों को मार दिया जाता है। मार देने के पश्चात अब दिल्ली सल्तनत वापस फ्री, ठीक है। अब कंडीशन क्या, अब देखिए कारण क्या है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये अल्तून, ये जो रजिया थी ये बहुत सक्षम व्यक्तित्व की धनी थी, लेकिन ये क्या है कि पुरुषों के वेश में जाया करती। भाई आपको पता है कि बुरखा उरखा पहनना में अपन आज भी जाते हैं, कितनी पर्दा प्रथा चलती है, बुरखा पहनते हैं आज भी ये प्रचलित है। उस जमाने में तो और हाई लाइट होगा, और ये पर्दा प्रथा वगैरह वगैरह कितनी खतरनाक होगी। महिला पर्दा में रहा करती थी, लेकिन इसने महिलाओं का उस चीज का खंडन किया, और उस का खंडन करने से यहाँ के लोग इसी से नाराज हो गए। चोगा पहनकर, वो जो लंबा होता है ना चोगा, चोगा का मतलब समझते हो, ऊपर से कंधों से लेकर नीचे तक का वस्त्र आता है। अभी वर्तमान में जो गाउन वाउन पहनते ना, गाउन वाउन की तरह वो लंबा सा वस्त्र आता है, ऊपर से लगाकर नीचे पहन जाता है। ऊपर आपने देखी होगी राजा महाराजा की फिल्मों में, ऊपर लंबा सा पहन लेते हैं, ऊपर जैकेट टाइप का आगे से खुला रहता है, उस तरीके का चोगा पहनकर ये जाया करती थी, राज दरबार में उपस्थित होया करती थी। तो ये लोगों को मन नहीं पाया, और टोपी लगाया करती थी सिर पर, और ये इस तरीके के कहा जाता है लोगों को ये सारी चीजें पसंद नहीं आई, और पसंद नहीं आने के कारण क्या किया, इसको धीरे 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 इसके करने का प्रारंभ कर दिया, और अंत में जाके इसको खत्म कर दिया। तो इस तरीके से रजिया सुल्तान का खात्मा हो जाता, ठीक है। थोड़ा बहुत लिखे, चलो थोड़ा सा मैं लिया लिखता हूँ क्या क्या चीजें हैं बारे में, लिख देता हूँ यहाँ पर, चाहो तो लिख लेना, है ना। चलो भाई, रजिया सुल्तान, रजिया के बारे में सबसे पहले तो की बात कर रहे हैं हम, रजिया की बात करें, रजिया सुल्तान 1230 से लेकर 1240, ठीक है। पिता इल्तुतमिश, ठीक है। माता कहा जाता है कि जो माता थी वो तुर्कान थी, शाह तुर्कान जिसे कहते हैं, या तुर्कमान खातून। कौन थी? तुर्कमान खातून इसकी माता थी। इसके द्वारा कहा जाता है कि इसके माता पिता हो जाता है, इसके द्वारा चालीसा संगठन जो पहले चल रहा था उसी के द्वारा इसको चलाया, इसने भी शासन उसी के द्वारा चलाया था। किसके द्वारा चलाया गया था शासन संचालन? शासन शासन संचालन चालीसा संगठन के द्वारा, चालीसा संगठन द्वारा या इसके सहयोग से शासन संचालित, किसके सहयोग से किया करती थी भैया? चालीसा संगठन के सहयोग से ये शासन का संचालन किया करती थी, चालीसा संगठन के सहयोग से, ठीक है, के सहयोग से शासन संचालित किया था इसने। और इसके द्वारा राजा भी इसको कि सुल्तान किसके द्वारा बनाया गया था? इसी के द्वारा बनाया गया। उपाधि के हमने थोड़े से पहले जिक्र कर ही लिया, इसका जन्म लगभग 1205 में हुआ था इसका, कहाँ पर? चलो जन्म की बात कर ले, जन्म 1205 में, ठीक है, बदायूं में इसका जन्म हुआ था 1205 में, ठीक है। किसका जन्म हुआ था? रजिया सुल्तान का, है ना। लगभग ये कहा जाता है प्रथम और अंतिम महिला शासिका मानी जाती है, प्रथम भी यही थी, अंतिम भी यही थी, एकमात्र शासिका मानी जाती है, प्रथम
प्रथम हुआ, अंतिम महिला शासिका थी, महिला शासिका, ठीक है। प्रथम व अंतिम एकमात्र महिला शासिका थी, तो यही मानी जाएगी भाई, प्रथम या अंतिम कहे तो इसी को कहेंगे, क्योंकि महिला एक ही मात्र शासिका थी पूरी दिल्ली सल्तनत में, तो ये प्रथम माने या अंतिम माने किसी भी माने। इसका बाद बात करें तो इसको जो राजा बनाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, चाल जैसा संगठन के द्वारा, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। राजा किसके द्वारा बनाया गया था इसको, चालीसा संगठन, शासिका या शासक, शासिका की बात करें, शासिका किसके द्वारा, चालीसा संगठन द्वारा। नेक्स्ट बात करें और क्या, इसका जो सबसे बड़ा क्या काम था, यानी कि रजिया द्वारा जो पर्दा प्रथा थी उसका त्याग कर दिया गया, इसके द्वारा असफल होने का कारण क्या था, रजिया द्वारा प्रदा प्रथा का त्याग किया गया, त्याग किया गया, यह पुरुषों की भांति, पुरुषों की भांति, पुरुषों की भांति चोगा व टोपी पहनकर, चोगा व टोपी पहनकर, पहन कर राज दरबार, राज राज दरबार में उपस्थित होती थी, राज दरबार में उपस्थित हुआ करती थी, कैसे हुआ करती थी भाई, चोगा और टोपी पहनकर ये राज दरबार में उपस्थित हुआ करती थी। रजिया ने कहा जाता है मलिक जलालुद्दीन याकूत को शाला का अध्यक्ष बनाया था, ये भी ध्यान रखना है। रजिया ने मलिक जलालुद्दीन जलालुद्दीन याकूत को घुड़साला या जो इसकी प्रमुख जो घुड़सवार होते उसका क्या बना दिया था, इसको अध्यक्ष बनाया गया था, घुड़साला का अध्यक्ष बनाया था, घुड़साला का अध्यक्ष क्या बनाया था, अध्यक्ष बनाया या प्रधान सेक्रेटरी बनाया था, ठीक है, अपना जो प्रधान सेक्रेटरी इसको कर दिया था, ठीक है, शाला का अध्यक्ष बनाया था, ठीक है। उस समय तक इसकी नजदीकियां इसके साथ बढ़ने लगी थी प्रारंभिक सभा में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिएगा और बात करें तो कहा जाता है इसका जो भाई था बहराम शाह, कौन था, बहराम शाह, बहराम शाह इसके विरुद्ध एक संगठन बनाया जिसका अध्यक्ष अख्तियारुद्दीन था, चलिए भाई, एक इसके विरुद्ध कौन सा, एक इसके विरुद्ध
के विरुद्ध के भाई बहराम शाह ने एक संगठन बनाया बनाया ठीक है एक संगठन बनाया इस किसके विरुद्ध? रजिया के विरुद्ध। इसके भाई बहराम शाह के द्वारा एक संगठन बनाया गया। संगठन बनाने के पश्चात कहा जाता है कि इसको पद से हटाने के लिए, सुल्तान के पद से हटाने के लिए सारा काटाकूटा किसके द्वारा किया गया? बहराम शाह के द्वारा किया गया। और बहराम शाह के द्वारा ये करने के पश्चात कहा जाता है कि दो विद्रोह में भी भाग लेती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दो विद्रोह कौन कौन से? एक तो कहा जाता है कि इसी के द्वारा रजिया सुल्ताना के द्वारा कहां पर आक्रमण किया गया था? लाहौर विद्रोह का, लाहौर विद्रोह, लाहौर विद्रोह में भाग लिया गया। और ये भी 1240 के आसपास होता है। कब होता है भाई ये भी 1240 का होता है और कबीर खान को पराजित करती है। कब होता है ये? 1240 में लाहौर विद्रोह। और लाहौर विद्रोह किसके समय, यहाँ का शासक था कौन था? कबीर खान था, कबीर खां। और कबीर खां को पराजित करती है। इसके पश्चात जो दूसरा विद्रोह है, दूसरा जो विद्रोह है प्यारे दोस्तों, वो कौन सा था? दूसरा विद्रोह है बठिंडा का विद्रोह था। बठिंडा जो पंजाब में पड़ता है, कहां पर? बठिंडा, बठिंडा का विद्रोह। बठिंडा का विद्रोह की बात करें तो बठिंडा का विद्रोह भी 1240 में होता है। और 1240 में किसके बीच होता है ये बात कर रहे थे, जहां पर अल्तुनिया और रजिया दोनों लड़े थे। ठीक है, अल्तुनिया और रजिया दोनों लड़े थे। किसके बीच होता है ये? अल्तुनिया वर्सेज रजिया होता है, इन दोनों के बीच है। लेकिन ये दोनों क्या कर लेते हैं, आपस में क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अंत में जाके क्या कर लेते हैं? आपस में दोनों विवाह कर लेते हैं। ये इसको अल्तुनिया रजिया को घेर लेता है। घेर लेने के पश्चात मरने से तो अच्छा है कि ब्याह कर लेंगे, मरने से तो अच्छा है कि इसे ब्याह कर लें। और ब्याह करने के लिए ये राजी हो जाती है किससे? अल्तुनिया से। और कहा जाता है ब्याह करके आ रहे थे रस्ते में, और रस्ते में इनको मार दिया जाता है। कहाँ पर? अल्तुनिया के साथ रजिया की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के पश्चात कहा जाता है कि दिल्ली के पास, दिल्ली नहीं पूछे उससे पहले कहाँ पर, कहाँ पर प्यारे दोस्तों? ये जब यह दोनों शादी के बाद दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली आ रहे थे तो केथल नामक स्थान पर, केथल नामक स्थान पर, नामक स्थान पर, केथल नामक स्थान पर दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मौत के घाट उतार दिया जाता, दोनों को मार दिया गया। ठीक है, यहां तक पढ़ लिया था अपने, इतना बात कर लिया था। 13 अक्टूबर और 1240 की बात थी। कब? 13 अक्टूबर 1240 को ये घटना घटित होती है। कब होती है? 13 अक्टूबर 1240 को। ठीक है, तो कहा जाता है कि शासिकाओं में बहुत शानदार शासिका थी। और शासिका ही नहीं, कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि इसके लिए महिला होना ही का पतन का कारण बना। इसका पतन का कारण बना रजिया का, क्योंकि नेतृत्व क्षमता सब कुछ शक्तिशाली सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये क्या थी? महिला थी, बस ये। ठीक है, अगर कहा जाता है कि यह अगर महिला न होकर पुरुष होती तो दिल्ली सल्तनत का सर्वोच्च बादशाह कौन कहलाती, या सर्वोच्च सुल्तान कौन कहलाता? रजिया कहलाती। ऐसे कुछ स्टेटमेंट किसके द्वारा? कुछ इतिहासकारों के द्वारा दिए जाते हैं। इसलिए रजिया सुल्तान आ गया, पल्ले पड़ गया। केथल ये हरियाणा में पड़ती है भाई, केथल कहाँ पड़ता है? केथल कहाँ पर पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में।
ध्यान रख लेंगे। केथल हरियाणा में पड़ता है, केथल हरियाणा में दोनों को बंदी बना दिया जाता है, बंदी बनाकर दोनों को मार दिया जाता है, मार देने के पश्चात रजिया सुल्तान का चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये थी आपकी रजिया सुल्ताना नए शासक के साथ, नए जोश और जुनून के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।